स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल वेलकम टू स्टडी आई क्यू आई ममित वरी द किलोर एंड दिस इज दी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर नंबर टू इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री हम यू पी एस सी एग्ज़ाम या स्टेट पी सी एस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर हम एक रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इट इज़ इन द नोट्स फॉर्म थोड़ा सा इसको इसके अंदर बहुत डेटा बहुत कंटेंट है तो इसको याद करना रिवाइज करने के पर्पज़ से देखा जाए तो काफ़ी आसान रहता है अगर मैंने लेक्चर नंबर वन में एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी थी कि अगर आपको इस सीरीज़ का फायदा उठाना है एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम इट और एल्स जब हम एग्जाम में जाए चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो या और दूसरे एग्जाम जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस, हिस्ट्री सिलेबस का पार्ट होता है तो एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना जरूरी है एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज दैट कि अगर हम इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो हमें पहले मॉडर्न इंडिया क्लास ट्वेल्थ की पुराने वाली ओल्ड एनसीआर जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस स्पेक्ट्रम एंड द ओल्ड एनसी ओल्ड एनसीआरटी कॉन्टेक्सट के साथ स्टोरी फॉर्म में दिया गया है उसको समझना और चीजें क्यों हो रही है उससे समझना या जानना ज्यादा आसान रहता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी कि स्पेक्ट्रम जो है वो थोड़ी सी नोट्स फॉर्म में है बिना कॉन्टेक्स्ट के इंफॉर्मेशन है कई बार तो उसमें से जब डायरेक्टली पढ़ेंगे तो हमें याद करना बहुत मुश्किल रहता है सो इफ यू वांट टू बी बेनिफिटेड अगर आपको इस सीरीज का फायदा उठाना है तो पहले सेम चैप्टर जो भी चैप्टर चल रहा है वो आप मॉडर्न इंडिया की इस किताब से पढ़ेंगे देन यू विल फॉलो द सीरीज एंड स्पेक्ट्रम जिसको आप रिवाइज के लिए या रेफरेंस बुक के तौर पर यूज करेंगे हमारे यूपीएससी के सिलेबस में प्रिलिम्स में हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट ये दोनों के दोनों ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ये प्रीलिम्स के सिलेबस में है मेंस में भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि मिडल ऑफ एटीन सेंचुरी से स्टार्ट होकर जो भी इवेंट्स पर्सनालिटीज इश्यूज हैं और फ्रीडम स्ट्रगल जिसके स्टेजेस कंट्रीब्यूटर्स अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री के द्वारा ये हमारा मेन्स का सिलेबस है जब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है मिड एटीन सेंचुरी से दैट इज सेवेंटीन से और उसके बाद 1857 तक इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है लेकिन 1857 टू तो 1947 एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ हिस्ट्री है जिसका नाम है इंडियन नेशनल मोमेंट सो 1750 से लेकर 1950 तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उसमें 1847 से 1947 तक एक पार्ट है स्पेसिफिकली इंडियन नेशनल मोमेंट 1750 से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि दैट इज द टाइम जहां पे इंग, अंग्रेजों का यूरोपियंस का इंडियन सबकॉन्टीनेंट के ऊपर रूल स्टार्ट हुआ है या उनकी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी स्टार्ट हुई थी लेक्चर नंबर वन के अंदर हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि 1757 हंड्रेड फिफ्टी सेवन इज कंसिडर्ड दैट पर्टिकुलर ईयर जिस साल एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनल बैटल हुई थी जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी

became a state in itself, become a government in itself is basically the story which is learnt in the 1750 हंड्रेड 1857 से is cheez ko karne तक इस चीज को करने के लिए हम फॉलो कर रहे हैं अपनी स्पेक्ट्रम की बुक जिसमें से पहले दो चैप्टर हैं, वो जनरल जस्ट वर्बल चैप्टर हैं, जस्ट कांड ऑफ एन इंट्रोडक्शन यू कैन रीड इट उसमें से जनरली सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं बहुत रेयरली एक दो रैंडम क्वेश्चन आ सकते हैं येस चैप्टर नंबर थ्री एंड द चैप्टर नंबर फोर ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड देंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया ये ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और इनसे डेफिनेटली क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं हावेवर हमने स्टार्ट किया है जो लेक्चर नंबर वन था रिलेटेड विद द एक्सपेंशन एंड द कंसॉलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश Power in India. एक जनरल एक्सप्लेनेशन एक जनरल के के की क्या सिचुएशन थी बेसिकली वर द रीजनल पावर्स एट दैट टाइम उसको हम जनरली हमने डिस्कस किया था सो वी विल डू चैप्टर नंबर थर्ड एंड फोर्थ इन डिटेल इन दी अपकमिंग लेक्चर्स लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से नहीं एक्चुअली में लेक्चर नंबर वन से हमने स्टार्ट किया है chapter number five of the spectrum. रिमेंबर विल बी फॉलोइंग दी पैटर्न और द इंडेक्स ऑफ द स्पेक्ट्रम लेकिन हम एनसीआर टी ओल्ड बुक को भी साथ लेके चलेंगे सो वी विल आई विल बी कवरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दट इज गिवन इन दिवन इन दी आर टी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ऑल्सो अच्छा अब जो एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया है इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये समझना है कि 1750 यानी कि मिड एटीन सेंचुरी में इंडिया की क्या सिचुएशन थी सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड ये एक जनरल मैप जो है ये याद रहना ज़रूरी चाहिए एक अंडरस्टैंडिंग रखिए मुगल्स आई थिंक मुगल्स का हम नाम जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश राज स्टार्ट होने से पहले भारत के सब कॉन्टिनेंट पर मुगल्स सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर थी लेकिन मुगल्स की जो पावर थी वो 1500 सौ 26 में उनकी मुगल डायनेस्टी की स्थापना होती है एंड अप्रॉक्सिमेटली सेवेंटी जब औरंगजेब की डेथ होती है ये 1526 से लेके 1725 तक ये 200 साल का है जब इंडिया इंडियन सब में मुगल्स सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आफ्टर सेवनटीन नॉट सेवन जो आने वाले जो मुगल किंग्स थे या प्रिंस थे वो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे एंड स्लोली स्लोली जो मुगल पावर्स है वो डेफिनेटली डिक्लाइन करने लगी मुगल पावर्स जब डिक्लाइन कर रही थी तो सेवनटीन से लेकर सेवनटीन तक देर वर सेवरल रीजनल पावर्स अलग-अलग को जो डोमिनेट करती हैं, इन्फ्लुएंस एंड पावर तो 1750 के बारे में जब भी हमें भारत के बारे में जानना होता है तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ऐसी कौन सी पावर्स थी जो मुगल के अलावा उस समय ज्यादा पावरफुल हो रही थी वन ऑफ दीज पावर्स वुड है कंटेंडर ऑफ पैन इंडिया रूल जैसे कि मराठास जो थे ये सबसे बड़े चैलेंज थे मुगल रूलर्स को और अगर ब्रिटिशर्स इंडिया को कंट्रोल नहीं करते देन इन ऑल पॉसिबिलिटीज मराठाज एक्चुअली इस्टेब्लिश एन एम्पायर बट एज हैपेंड एंड एज वी वुड लर्न मराठाज एक्चुअली डिड नॉट बिकम द सुपर पावर रादर वो कंट्रोल जो है वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया सो so, पहले से जब हम 1750 का भारत का मैप देखते हैं तो व्हाट वी सी इन आवर कंट्री इज दैट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मेजर कौन कौन सी पावर है सबसे पहले ये वाला जो एरिया प्रेजेंट डे जिसके अंदर बिहार आता है प्रेजेंट डे ईस्ट यूपी प्रेजेंट डे ओडिशा प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल एंड प्रेजेंट डे बांग्लादेश ये पूरा का पूरा एरिया उस समय बंगाल के नाम से जाना जाता था और इस बंगाल को कंट्रोल करते थे नवाब्स नवाब ऑफ बंगाल जो कि मुगल्स के लिए काम करते थे हावेवर जैसे जैसे मुगल्स की पावर डिक्लाइन हुई दे बिकेम काइंड ऑफ ए सेमाई इंडिपेंडेंट मतलब कि वो मुगल्स को रेवेन्यू देते थे कुछ शेयर करते थे बट एक स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह काम करते थे नव लेक्चर नंबर वन वो स्पेसिफिकली ओनली अबाउट हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल दी बंगाल और जिसमें हमें पढ़ने में स्पेसिफिकली दो ही चीजें पढ़नी है कि बैटल ऑफ प्लासी जो कि सत्रह में हुई और बैटल ऑफ बक्सर जो कि सत्रह में हुई ये दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल के अगेंस्ट लड़ी थी और दोनों के दोनों के अंदर नवाब ऑफ बंगाल की हार हुई थी एंड उसके बाद जो ट्रीटीज हुई द पावर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली वेंट इन देंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इसके अलावा इस गिवन टाइप में 1700 से लेकर 1800 सेंचुरी के बीच में और कौन कौन सी पॉलिटिकल पावर है जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है मराठास मराठास के साथ इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन कौन सी वॉर हुई ये हम लेक्चर नंबर थर्ड में देखेंगे इनके अलावा मैसोर मैसूर यानी कि जिसमें आपने टीपु सुल्तान का नाम सुना होगा उनके जो फादर थे हैदर फाउंडर ऑफ लेक्चर नंबर टू है वो इंग्लैंड का या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे मैसूर को डिफीट, डिफीट किया विल बी एक्चुअली स्टडिंग दैट एक रीजनल पावर्स थी निजाम हैदराबाद के जो निजाम होते थे विल लर्न अबाउट दैट उसके बाद ये अवध के ध भी कहा जाता है इसको अवध के नाम से भी जानते हैं अवध सेम स्पेलिंग अलग अलग स्पेलिंग कई जगह पर यूज होगी नवाब ऑफ अवध को कैसे कंट्रोल किया एंड मोर इंपॉर्टेंटली राजपूताना स्टेट्स एंड देन हियर ऑन पंजाब का जो पूरा का पूरा एरिया है हाउ दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स दिस इज द बेसिकली स्टोरी ऑफ द सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टीज टू दी एटीन हंड्रेड फिफ्टीज सत्रह सौ पचास से अठारह सौ पचास का जो पूरी कहानी है वो यही है आज का जो हमारा टाइम पीरियड है उसके डिस्कशन का टाइम पीरियड होगा अप्रॉक्सिमेटली 1770 से 1800 के ये तीन डेकेड के बारे में पढ़ेंगे इन तीन डेकेड में ईस्ट इंडिया कंपनी की माइसोर के साथ कई वॉर्स हुई हैं जिनको एंग्लो मैसोर वॉर कहा जाता है सो व्हेन वी लर्न हाउ इंग्लिश और द ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल्ड द इंडियन सब तो हमें इन रीजनल पावर्स के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जो वार्स हैं, उनको पढ़ना पड़ता है तो बंगाल के साथ एंग्लो बंगाल वार्स जिसमें दो आती हैं प्लासी की और बक्सर की उसी की तरह माइसोर के साथ चार वार्स हुई थी एंग्लो माइसोर जिन्हें कहा जाता है सिमिलरली वील ऑल्सो स्टडी अबाउट दी मराठा एंग्लो मराठा वार्स एंड एंग्लो पंजाब वार्स एंड सो ऑन एंड ऑन सो रिमेंबर दो चीजें जरूरी हैं आपको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए मोर इंपॉर्टेंटली उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दी मैप ऑफ 1750 उस समय कौन से एरिया ऑफ इंडिया इंडियन सब के कौन कौन से रीजनल पावर्स है और जो दूसरा मैंने बताया है वो सब पे अप्लाई होता है एंशियट मेडिवल और मॉडर्न पे कि बिफोर वी लर्न हिस्ट्री हमें एक बेसिक क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए सम काइंड ऑफ अ टाइमलाइन जो कि हमें बेसिक आइडिया दे सके सिर्फ दिमाग में रखने की चीजें हैं जैसे अकबर की डेथ सोलह में हुई थी Uh, औरंगजेब की डेथ सेवेंटी नॉट सेवन में हुई थी ठीक है अकबर का जो रूल है वो स्टार्ट होता है 1555, 56 के अंदर so, uh, सो ऑन ऑन एंड ईस्ट इंडिया कंपनी सेंचुरी में सोलह सो इकतीस दिसंबर सोलह सो स्टैब्लिश की गई थी सो वी शुड नो समथिंग विच इज हैपनिंग पैरली तो इंग्लैंड में लंडन में 31 दिसंबर 1600 को एक प्राइवेट कंपनी बनी है ईस्ट इंडिया कंपनी एट दैट टाइम इन इंडिया अकबर इज अलाइव ठीक है 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है उनके जो बेटे होते हैं जहांगीर ही बिकम्स दी सोलह 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं मतलब कि ट्रेडर्स हैं उस समय दे आर नॉट रूलर्स एट दैट टाइम यू शुड आल्सो कीप दिस डिस्टिंक्शन इन माइंड ईस्ट इंडिया कंपनी इज अ ट्रेडिंग कंपनी दे केम टू इंडिया टू डू ट्रेड रॉ मेटेरियल खरीद के यूरोप uh, को बेचना था Uh, uh, तो यहां के जो एम्परर्स थे सो so वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे या जो डायरेक्टर्स थे या जो गवर्नर्स थे दे यूज टू कम टू दी एम्परस टू सीक सम ट्रेडिंग लाइसेंसिस कुछ ट्रेडिंग डिस्काउंट मिल जाए टैक्सीज में कुछ डिस्काउंट मिल जाए इस प्रकार की डिप्लोमेसी करने के लिए एंड हाउ इवन दैट सिंपल थिंग ऑफ सीकिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड डिप्लोमेसी पावर जो थी पॉलिटिकल पावर हाउ डिड इट एक्चुअली ट्रांसफर टू यूरोपियंस ये हमारी कहानी है मॉडर्न इंडिया की ठीक है दैट इज इट ये इसको याद रखने के लिए सबसे जरूरी रहता है। किसी भी प्रकार की, कोई भी क्रोनोलॉजी याद रखना event, important, important याद रहेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ और तो सिर्फ लॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पर सॉल्व हो जाएंगे ठीक है सो यू रिमेंबर दैट सोलह में अकबर की डेथ हो जाती है तिरसठ साल का था अकबर की जब डेथ होती है सोलह uh, में ब्रिटिश इंडिया कंपनी सूरत में एक uh, फैक्ट्री बना लेती है पोस्ट बना लेती है सोलह में शाहजहां ताजमहल को कंप्लीट कर देता है सत्रह रॉबर्ट क्लाइव 26 साल का ये लड़का था जो कि आर्कॉट मॉडर्न तमिलनाडु में थे और साउथ इंडिया में फ्रेंच और चा इंडिया में कई सारी यूरोपियन पावर्स थी नॉट ओनली इंग्लिश राधर इवन ब्रिटिशर्स देयर इवन फ्रेंच देयर इवन देयर राधर पॉर्चुग वर एक्चुअली बिफोर पोर्चुगीज़ कंट्रोल्ड पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ इंडिया गोवा इवन बिफोर द मुगल डायनेस्टी स्टार्टेड 1510 में ही पोर्चुगीज़ इंडिया आ चुके थे यानी कि मुगल भी नहीं हुई है उसके बावजूद भी यूरोपियन इंडियन टेरिटरी के एक पार्ट को कंट्रोल करते थे ब्रिटिश डिफीटेड द मुगल एम्प्रर क्या नाम था इसका शाह आलम टू एक बेसिक हल्की फुल्की छोटी मोटी क्रोनोलॉजी इस प्रकार से आपको याद रखनी चाहिए When you will learn, remember it. लेके उन्नीस सौ पचास तक के जो कुछ करता है सिर्फ और सिर्फ दिस ऑलवेज सॉल्व एटलीस्ट टू क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रम्स और राधर इन एवरी अदर एग्जाम सोनली नोइंग क्रोनोलॉजी बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें बाद में याद करनी पड़ेगी सो नाउ इन सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टीज वेन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पावर फ्रॉम दी रीजनल पावर्स उस समय इंडिया में छह मेजर रीजनल पावर्स हैं अब देखो 1750 के बाद की स्टोरी हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले 1700 से लेकर 1750 तक का भी एक पार्ट है 1700 से 1750 तक का जो पार्ट है वो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एंग्लो फ्रेंच लाइव राइवलरी क्योंकि उस समय फ्रांस जो था वो भी इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आता था एंड दे वर आल्सो वाइंग फॉर द पॉलिटिकल सुप्रेमेसी या फिर पावर उनको मिल जाए ब्रिटिशर्स वर एबल टू डिफीट देम आल्सो सो दैट इज अ सेपरेट चैप्टर ऑफ दैट इज अ सेपरेट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री लेकिन हम उसको करा नहीं है क्योंकि हमने स्टार्ट ही सेवनटीन से किया है वो चैप्टर नंबर फोर के अंदर कवर किया जाता है लेकिन जो ये एंग्लो फ्रेंच राइवलरी है ये आज के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब माइसोर को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डील करना होता है तो मैसोर जो था वो कभी कभी फ्रेंच से हेल्प लेता था सो इनडायरेक्टली फ्रेंच वर ट्राइंग टू हेल्प द मैसोर स्टेट बिकॉज दे वर अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स यूरोप में वो दोनों कॉम्पिटेटिव थे तो इंडिया के अंदर भी वो सेम कॉम्पिटिशन प्ले करते थे अब हम देखिए याद रखिए सेवनटीन में जैसा कि अभी हमने मैप में देखा था देर आर सिक्स मेजर रीजनल पावर्स सबसे पहले तो बंगाल है दूसरा मराठाज है थर्ड इज नवाब ऑफ अवध चौथा हैदराबाद पांचवा मैसूर और छठा पंजाब

ये जो वोडियार डायनेस्टी है इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग डायनेस्टीज ऑफ द वर्ल्ड 1300 से 1400 सेंचुरी के समय में ये स्टार्ट होती है और इनका जो राज था इन वन वे और दी अदर नाइनटीन के समय में खत्म होता है अब देखो एक इंटरेस्टिंग बात माइसोर का आपने एरिया देखा है ये जो प्रेजेंट डे केरला को कवर करता है एंड दी अदर स्टेट्स आल्सो जैसे थोड़ा सा तमिलनाडु का पार्ट है थोड़ा सा कर्नाटका भी कर्नाटका भी पार्ट है इसको पूरे को माइसोर कहा जाता था यहाँ के राजा थे चीका कृष्णा राज की आर्मी में एक इंडिविजुअल था जिसका नाम है हैदर अली वॉज अ ब्रिलियंट जनरल ही वॉज अ ब्रिलियंट डिप्लोमैट ऑल्सो एंड वन वे और दी अदर ही कंट्रोल द आर्मी इन अ मैनर कि बाई द एंड ऑफ द सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटीज सत्रह सो साठ के समय में उसके कहीं आसपास वो एक फुल फ्लेजेड इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता था तो कहने का मतलब है कि जो ये चीका कृष्णा राज थे वोडया डायनेस्टी के राजा ये सिर्फ नाम के राजा थे ओरिजिनल जो रूलर ओरिजिनल जो उस समय पावर थी वो हैदर अली के हाथ में चली गई थी टू हिज जनरल ब्रिलियंस और इस फोरसाइट एज ए मिलिट्री लीडर तो चीका कृष्णराज कृष्ण डायनेस्टी के राजा है, हैदर अली ने धीरे धीरे पूरी आर्मी को कंट्रोल करके ऑलमोस्ट एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ माइसो डिक्लेयर करती थी और इनकी कैपिटल थी श्री रंगा वर्ड याद करिएगा एक एंग्लो माइसोर वॉर में डिफीट होने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ श्री जो कि काफी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड हाउ द पोलिटिकल पावर गॉट ट्रांसफर टू दी ब्रिटिशर्स चलिए अब देखते हैं हमें करना क्या क्या है माइसोर रेजिस्टेंस टू द कंपनी द वोडियार और द माइसोर डायनेस्टी दोनों के दोनों नाम अप्लाई होते हैं क्योंकि एक्चुअली में जो किंग थे वो वोडियार डायनेस्टी के थे लेकिन मोर और लेस जो एक्चुअल ईस्ट इंडिया कंपनी से फाइट की थी वो हैदर अली ने की थी जो कि जिसकी डायनेस्टी मानी जाती है माइसोर डायनेस्टी बोथ आर द सेम वन वॉज अ टिटुलर हेड नाम के लिए एक हेड थे बोडेया डायनेस्टी के जो राजा थे एक्चुअल पावर डी फैक्टो जो रूलर थे वो बेसिकली हैदर अली थे इस चैप्टर को जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ मिलेगा या एक टॉपिक मिलेगा राइज़ ऑफ हैदर अली हैदर अली के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन कि हाउ डिड हैदर अली एक्चुअली बिकम सो पावरफुल एंड डिक्लेयर्ड हिज ओन कैपिटल एज श्रीरंगापटनम ये जो है इंपॉर्टेंट कैपिटल है वेन विल रीड दैप्टर विल रियलाइज की हैदर अली के राइज के बारे में हैदर अली एक जनरल था वोडेर डायनेस्ट राजा थे उनकी आर्मी के अंदर सो इकसठ में रैंक्स ऑफ द आर्मी वेरी क्विकली अब स्पेसिफिकली क्या किया कि जब ये आर्मी के रैंक्स में राइज करता है तो ही स्टार्टेड मॉडर्नाइजिंग द आर्मी ऑफ द मॉडर्नाइजिंग द आर्मी ऑफ धीरे धीरे वो पावरफुल बन जाता है एंड ही टू टेक हेल्प ऑफ द फ्रेंच एक जनरल इंफॉर्मेशन याद रखिए कि इस एंग्लो माइसोर वॉर्स में फ्रेंच आर ऑन द साइड ऑफ द माइसोर ठीक है ये बात होगी ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी साइड है अब इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है कि हैदर अली वॉज पर्सन जिन्होंने एक गन पाउडर की गन पाउडर की फैक्ट्री लगाई थी डिंडीगुल में क्वेश्चन आई है प्रेजेंट डे कौन सी इंडिया की स्टेट में डिंडीगुल नाम की जंग है यहां पर भारत की वन ऑफ दर्स्ट गन पाउडर फैक्ट्री लगाई गई थी ऑल्सो अनदर फैक्ट गन पाउडर बेसिकली हु ब्रॉड गन पाउडर टू इंडिया फाउंडर ऑफ द मुगल डायनेस्टी बाबर बाबर गन पाउडर इंडिया लाता है और 1760's के समय में गन पाउडर की एक फैक्ट्री लगाई जाती है में, हैदर अली के कम इंफॉर्मेश के बीच में सेवनटीन हंड्रेड सिक्सटी सेवन टू सिक्सटी नाइन में जो हुई थी एक तो स्पेसिफिकली जब भी हम पढ़े तो एक जनरल आइडिया रहना चाहिए किस रीजनल पावर्स के साथ कितनी लड़ाइया लड़ी गई है एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वॉर एंग्लो माइसोर वॉर पहली हुई है सत्रह से उनसठ के बीच में दो साल की थी जो कि हैदर अली ने लड़ी थी सेकंड हुई है 1700 से सेवनटीन एटी से 84 में इसमें पहले दो साल हैदर अली ने लड़ी थी और उसके बाद टीपू सुल्तान बीच में उनकी डेथ हो गई थी टीपू सुल्तान फोर्ट एंड दी थर्ड सेवनटीन नाइनटी टू नाइनटी एंड 1799 में फोर्थ एंग्लो माइसोर वॉर होती है इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है एंड फाइनली जो माइसोर स्टेट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाती है राइट right? स्पेसिफिकली एक वॉर और बैटल का याद रखिएगा कि ये जो दो दो तीन तीन चार साल वॉर चलती है ये कंटिन्यूसली नहीं चल रही है वॉर का मतलब सीरीज ऑफ बैटल्स देर आर सेवरल बैटल्स फॉट बैटल ड्यूरिंग दिस पीरियड दो तीन चार बैटल हैं पांच पांच छह छह दिन की फिर चार पांच महीने बाद फिर पे कहीं पे और दोबारा से कोई बैटल हो गई फिर कोई बैटल हो गई फाइनली एक कंक्लूसिव बैटल हुई एंड देन बोथ साइड्स केम एंड साइंड सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट और दी अदर सम काइंड ऑफ ट्रीटी ठीक है तो वॉर का मतलब मल्टीपल ओवर अ पीरियड ऑफ जो सीरीज ऑफ बैटल्स चल रही है उनको इकट्ठे बोलकर वॉर की जाती है तो 1767 से 69 के बीच में जो वॉर्स थी मतलब कि दो तीन चार पांच बैटल हुई थी इसके बीच में अभी हमें देखना है कि एंग्लो मैसूर वॉर पहली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर सबसे पहले तो क्यों हुई थी व्हाट वाज द रीजन

एंग्लो मैसोर वॉर एक चार वॉर्स की सीरीज़ है जो कि लास्ट थ्री डेकेट्स यानी कि 1770 से लेके 1800 तक लड़ी गई थी एक तो मैसोर दूसरी साइड था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी साथ ही साथ मराठा एंपायर ट्रेवन कोर का जो किंगडम है प्रेजेंट डे केरला में निजाम ऑफ हैदराबाद का जो एरिया है अभी दिखाते हैं इसको मैप में ये सारे के सारे के ऑलमोस्ट एक साइड थे मतलब ये थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कई बार चेंज हुए थे एक एक के बारे में समझना है हैदर अली जो कि माइसोर के माइसोर स्टेट के फाउंडर है और उनके जो बेटे थे टीपू सुल्तान इन दोनों लोगों ने लगातार 30 साल तक बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी से ये वॉर्स फाइट की थी फाइनली जो था फोर्थ वॉर के अंदर टीपू सुल्तान की डेथ होती है इसी वॉर में किल्ड इन दी फोर्थ वॉर और माइसोर जो स्टेट है उसको कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया गया था एंड द होल पावर एक्चुअली वेंट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले हमें समझना है तो ये मैप देखना जरूरी है इस मैप से अंडरस्टैंड होगा कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ डिड एक्चुअली माइसोर वॉर क्यों होती थी और अलायसेज किस वजह से फॉर्म होते थे देखो पहले दो वॉर्स के लिए ये मैप जरूरी है दिस इज थर्ड एंग्लो माइसोर वॉर एंड दिस इज द फोर्थ सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करो मद्रास का जो एरिया है यहां पर ब्रिटिशर्स ने अपनी पोस्ट फैक्ट्री लगाई थी एंड दे हैड कंट्रोल ऑफ दिस एरिया ड्यूरिंग प्री 1750 हंड्रेड फिफ्टी से पहले इन्होंने इसको कंट्रोल ले लिया था और उसका नाम रखा था मद्रास प्रेसिडेंसी इसको कहते थे हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा कि सत्रह से लेकर सत्रह में जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास बंगाल का भी पूरा का पूरा कंट्रोल जा चुका था देड दी होल्ड दी वानी एंड निजामत राइट्स ऑफ दी बंगाल अब ब्रिटिशर्स का आफ्टर विनिंग इन दी बंगाल इनका प्लान था कि ये कोई लैंड रूट मद्रास से लेके बंगाल तक का कोई लैंड रूट अपने कंट्रोल में कर ले उसके रस्ते में आता था नर्दन सरकार्स ठीक है एरिया है नदन सरकार्स इसकी स्पेलिंग होती है नर्दन सरकार्स के नाम से भी स्पेलिंग होती है इट्स ए जोग्राफिकल एरिया द वर्ल्ड इज जोग्राफिकल ठीक है नदन सरकार्स का जो एरिया था यह आता था निजाम की टेरिटरी में ये पर्सन जो है ये जो स्टेट है दिस इज निजाम अच्छा अब देखो मैसोर के जो एरिया है यहां पे मैसोर चारों तरफ से घिरा हुआ है अपनी एंटागोनिस्ट स्टेट्स के साथ मराठास जो थे वो भी मैसोर के ऊपर कई बार उनसे फाइट करते थे कुछ टेरिटरी कंट्रोल करने के लिए वेल्थ लेने के लिए ट्रेवन कोर जो थे ट्रेवन कोर दिस इज द स्टेट दी प्रेजेंट डे जो केरला के अंदर आती है दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट अगेंस्ट मैसोर और निजाम और मैसोर के बीच में जनरल कॉम्पिटिशन रहता था बोथ वर इनसिक्योर ऑफ ईच अदर ठीक है ब्रिटिशर्स ने निजाम के साथ हैदराबाद के जो निजाम है उनके साथ एक ट्रीटी साइन की 1766 के अंदर ठीक है लड़ाई जो एंग्लो एंग्लोसोर फर्स्ट एंग्लो एंग्लोमेसोर वॉर है उससे एक साल पहले उस ट्रीटी में उन्होंने ये कहा कि नदन सरकार ब्रिटिशर्स को दे दिया जाए दैट गिवन एंड इन केस ऑफ द अटैक बाय हैदर अली ब्रिटिशर्स विल एक्चुअली सपोर्ट निजाम दैट वॉज द्लान ये ट्रीटी थी इस ट्रीटी के तहत जो ब्रिटिशर्स थे इनको नदन सरकार मिल गया था कि अगर हैदर अली यानी स्टेट ऑफ मैसोर कभी निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ लड़ाई करेगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी हेल्प करेगी सिंपल तरीका है अब ब्रिटिशर्स आफ्टर विनिंग फ्रॉम लास्ट डेकेड बंगाल इनके कंट्रोल में आ चुका है निजाम ऑफ हैदराबाद भी मोर ओलेस इनका अलाय बन चुका है दे वॉन्टेड टू एक्चुअली कंट्रोल मैसोर सोल इकोनॉमिक रीजन बेसिकली दे वॉन्टेड ट्रेड मोनोपली ठीक है मैसोर जो था वो फ्रेंच के साथ अलाइंड था हैडर अली जो था अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करता था यूरोपियन प्रिंसिपल्स uh, के बेसिस पे एंड फ्रेंच यूज टू हेल्प हम ही वॉज डिप्लोमेटिकली वेरी गुड विद फ्रेंच और उनके साथ एक प्रकार की दोस्ती बनी हुई थी दैट was दी होल plan about it. अब ये बात ब्रिटिशर्स को मंजूर तो नहीं हो सकती है because again those were the competing European powers. एक दूसरे के साथ उनको problem तो थी ही ऐसे में ब्रिटिशर्स ऑल्सो वॉन्टेड टू गेट सम कंट्रोल ओवर दी मैसोर ताकि उनको पूरी की पूरी ट्रेड मोनोपली मिल जाए यहां पर निजाम जो है मराठास के साथ एक पर्टिकुलर टाइप का अलायंस करता है कि आप मैसोर वैसोर के साथ जब भी बात हो तो हमारे साथ रहिएगा लड़ाई वड़ाई के समय में अब फर्स्ट जो एंग्लो मैसोर वॉर है उसका सिंपल यही पर्पस है दिस इज व्हाट द पर्पस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मराठास निजाम्स एंड द कोर और इंग्लिश विच वॉज रिप्रेजेंटेड बाई द मद्रास प्रेसिडेंसी वो मोर और लेस सेवनटीन हंड्रेड में जस्ट टू गेन मोनोपोली किसी किसी प्रकार की बैटल्स करने लगे मैसोर के साथ वन वे और अदर दराठास ने अटैक कर दिया तो मराठास के साथ मैसोर ने डिप्लोमेटिकली एक ट्रीटी साइन की ही पेड देम अ लॉर्ड ऑफ मनी अप्रॉक्सिमेटली 30 लैक्स रुपीस इट वाज क्वाइट मनी अमाउंट ऑफ एट दैट टाइम तो इनके साथ मराठाज न्यूट्रल हो गए ऐसे कुछ कुछ डिप्लोमेटिक ट्रीटी और टैक्ट के साथ मैसोर जो है सत्रह से लेकर सत्रह तक डेढ़ साल का समय था जब ये बैट, बैटल्स हुई थी उनको किसी प्रकार से कंट्रोल करता रहा ना 1769 सेवन हैदर अली he took a very radical decision. वो क्या करता है इमीजिएटली अपनी आर्मी को लेकर सीधा मद्रास पहुंच जाता है ही रीचेज टू द गेट्स ऑफ द मद्रास जिसकी वजह से अचानक से ब्रिटिशर्स के अंदर पैनिक फ, आ, आ, फैल जाता है एंड दे वेरी

उस समय इंग्लिश अंडर द प्रेशर दे साइन अ ट्रीटी विद अली जिस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ मद्रास इस ट्रीटी ऑफ मद्रास का फायदा क्या हुआ कि पिछले डेढ़ साल में जितने भी बैटल्स हुए थे उसमें जो भी मैसूर की टेरिटरी थी वो बेसिकली टेरिटरी मैसूर को वापस दे दी गई एंड ऑल्सो विद्क्लूजिंग स्टेटमेंट कि ब्रिटिशर्स विल हेल्प मैसोर अगर इनकी अब कहीं किसी से लड़ाई होती है And will help Britishers, अगर ब्रिटिशर्स की कहीं पर लड़ाई होती है मोर और लेस उस एंग्लो मैसोर वॉर का जो फर्स्ट एंग्लो मैसोर वॉर है उसका कंक्लूजन ये हुआ कि कई वॉर्स चल रही थी रेगुलरली बैटल्स चल रही थी हैदर अली जब मद्रास पहुंच जाता है ब्रिटिशर्स फोर्स टू साइन अ ट्रीटी विद हम उस ट्रीटी के दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं पहले तो जो भी पुरानी टेरिटरी डेढ़ साल में जो माइसोर स्टेट ने लूज की थी इट गोज बैक टू माइसोर मोर इंपॉर्टेंटली सेकेंड विच इज इंपोर्टेंट क्योंकि वो रीजन बनेगा अगली वॉर के लिए कि ब्रिटिशर्स अग्रीड टू हेल्प माइसोर अगर उनकी कहीं पे वॉर होती है एंड माइसोर अग्रीड टू हेल्प ब्रिटिशर्स अगर उनकी कहीं पे वॉर होती है दिस इज दी ओनली स्टोरी ऑफ एंग्लो मैसोर वॉर ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसोर वॉर अब हम आते हैं सेकेंड एंग्लो मैसोर वॉर पे और अब हम सब सेम पैटर्न फॉलो करेंगे एंग्लो मैसोर वॉर जो भी कोई स्टार्ट होती है उसका बैकग्राउंड क्या है वट इज द रीजन उस समय क्या सिचुएशन है क्या चल रहा है क्यों वॉर हो रही है वॉर के दौरान क्या होता है और वॉर के फाइनली कौन कौन सी ट्रीटी होती है दिस इज वट यू विल एक्चुअली नीड टू रिमेंबर

कि जो सेकंड वॉर है सेकेंड वॉर खत्म होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से सो व्हेन वी विल सी दिस कि जब ये वॉर खत्म हुई है क्यों हुई है तो इसको कहेंगे हम ट्रीटी ऑफ मैंगलोर सो ऑन एंड ऑन लेट्स सी कि सेकेंड वॉर क्यों होती है क्यों नहीं होती है देखिए, हैदर अली स्पेसिफिकली अंग्रेजों को इस बात के लिए ब्लेम करता है कि यू हैव ब्रीज फेथ विच वॉज डन इन द ट्रीटी ऑफ मद्रास जब 1771 में मराठास के द्वारा उस पर ऊपर अटैक किया गया तो इंग्लिश फेल्ड टू कम टू हिज एड ऑल्सो फ्रेंच जो है एक्चुअली मच मोर हेल्पफुल देन द द इंग्लिश इन मीटिंग आर्मी रिक्वायरमेंट तो सत्रह से उनहत्तर के बीच में जो लड़ाई होती है वो इस प्रिंसिपल के ऊपर वो ट्रीटी ये हुई थी कि इंग्लिश विल हेल्प मैसोर वेन एवर रिक्वायर सेवेंटी में मराठाज ने फिर दोबारा से मैसोर के ऊपर अटैक किया एंड स्टेट एज प्रॉमिस जो अंग्रेज थे उनके साथ नहीं आए माइसोर स्टेट हैदर अली बोलता है कि दिस इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तुमने ट्रीटी साइन की थी यू डिट कम फॉर हेल्प दिस इज रॉन्ग पहली वाली बात दूसरा ही सॉ ओवर द पीरियड ऑफ दैट टाइम फ्रेंच वर मच मोर हेल्पफुल तो आर्मी को, को कोई एम्यूनिशन चाहिए था सॉल्ट पीटर गन पाउडर ऐसी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी रॉ मटेरियल की फ्रेंच वर एबल टू सक्सेसफुली एक्चुअली सप्लाई दैट रादर देन द इंग्लिश तो मोर और लेस हैदर अली वॉज इंक्लाइन टुवर्ड्स फ्रेंच

हेल्पिंग दी रेबल्स अगेंस्ट द इंग्लिश सो पैरली इंग्लिश और फ्रेंच राइवल यह तीन कॉन्टिनेंट्स में चल रही है एक तो यूरोप में तो यह राइवल है ही है साथ में जो नॉर्थ अमेरिका है वहां पर भी बेसिकली उस समय अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही है फोर्थ जुलाई सेवनटीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स दैट इज दुलाई दैट इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका वहां पर जो रिबेल्स थे राइट right? जो रिबल्स थे अमेरिका के अंदर जिन्होंने ए, वहाँ पर भी इंग्लिश नॉर्थ अमेरिका वाज आल्सो इंग्लिश कॉलोनी तो उनको जो रिबल्स ने उन्होंने जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चलाई थी सो तो वहाँ पर फ्रेंच जो थे वो रिबल्स की हेल्प कर रहे थे तो ये बात जो है ब्रिटिशर्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी ऐसे समय में हैदर अली की जो ये फ्रेंडशिप थी फ्रेंच के साथ जो बढ़ती जा रही थी इससे इंग्लिश को प्रॉब्लम हो गई तो इन्होंने क्या किया इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने माहे को कैप्चर करने की कोशिश की माहे जो कि फ्रेंच पोजेशन है राइट इट वॉज ऑल मतलब ये फ्रेंच पोजेशन था दिस वॉज ए डायरेक्टली चैलेंज टू दी हैदर अली फॉर टू थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट हेल्पिंग मी अगेंस्ट दी मराठास ठीक है ये तो पहले तो हो ही हो गया साथ ही साथ फ्रेंच जो है जो माहे है वो फ्रेंच क्या नाम है प्रॉपर्टी है फ्रेंच पोजेशन है बट इट इज अंडर माई सोवरेनिटी अगर फ्रेंच के ऊपर माहे के ऊपर कोई अटैक करता है तो इसका मतलब तुम हैदर अली के ऊपर अटैक करते हो सो so, हैदर अली ने ये देखा कि मेरी प्रोटेक्शन के अंदर कोई टेरिटोरियल टेरिटरी है एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है बेसिकली इट सो अ चैलेंज टू हिज अथॉरिटी सो दिस बिकम द रीजन फॉर द द स्टार्ट ऑफ एंग्लो मैसोर वॉर एंग्लो मैसोर वॉर जो सेकंड वाली है वो सत्रह से सत्रह में होती है राइट सेम टू सेम सिचुएशन रहती है कोई बदला नहीं होता है माहे का। This is a French possession. ठीक है? थोड़े थोड़े से यूरोपियन पावर्स ने अपना कुछ कुछ लिया गोवा है पोर्टुगीजेश मद्रास है जो इंग्लैंड ईस्ट इंडिया का हो गया तो थोड़े -थोड़े है। तो तो थोड़े-थोड़े अब माहे कॉम्पिटिटर uh, है ही फ्रेंस का फ्रांस का सत्रह में बेसिकली अमेरिका वॉर ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुका है और उसके अंदर फ्रेंच ने रिबल्स की हेल्प की थी सो so, ये बातें जो थोड़ी सी थी एक दूसरे को खटक रही थी तो वट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइज टू डू इज दैट कि वो माहे को ऊपर अटैक कर देते हैं और यू लुक एट द मैप माहे इज बेसिकली चारों तरफ से माइसोर से घिरा हुआ है तो so, अकॉर्डिंग टू uh, हम देख ही रहे हैं कि कैसे फ्रेंच के साथ जो है मैसूर uh, स्टेट के बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली डिप्लोमेटिक रिलेशन है सो हैदर अली सिंपली टुक इट एज अ चैलेंज कि ये तुमने चैलेंज कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने और सत्रह सौ अस्सी से लेकर सत्रह सौ चौरासी तक चलती है सेकेंड एंग्लो मैसोर वॉर सेकेंड एंग्लो मैसोर वॉर कि 1782 में यानी कि वॉर के बीच में ही हैदर अली की डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से द वॉर कंटिन्यूज मल्टीपल बैटल्स हो रही है टाइम टू टाइम वॉर कंटिन्यूज टीपू सुल्तान

सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का कोई डेफिनेटिव रिजल्ट नहीं है कि हु इज़ द विनर एंड हु इज द लूजर हावेवर जब ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी तो मोर और लेस इट वॉज डिक्टेटेड बाई दुल्तान टीपू सुल्तान इट वॉज मोरल मॉरल विक्ट्री मॉरल विक्ट्री मिली थी इसमें माइसोर को ठीक है मोर और लेस इंग्लिश वर ऑन द लूजिंग साइड अगर देखा जाए तो डेफिनेटिव नहीं है कंक्लूसिव नहीं है बट ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जब साइन होती है सो इट वॉज डिक्टेटेड बेसिकली उसके जो भी टर्म्स और जो भी कंडीशंस थे वो प्राइमरी टीपू सुल्तान ने ही डिक्टेट किए थे सो इन अ वे ब्रिटिशर्स बेसिकली ऑन द लूजिंग साइड ये बात अगेन ये बात उनको

जिसमें मोर मोरोलेस एक बेसिक बात की जाती है कि माइसोर और ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी फ्रेंडली टू ईच अदर विल हेल्प ईच अदर आउट जैसी जरूरत पड़ेगी उस ट्रीटी का जल्दी ही ब्रीच ऑफ फेथ हो जाता है 1771 में व्हेन माइसोर वाज अटैक्ड बाय द मराठास बट नॉट हेल्प बाय द ब्रिटिशर्स और माइसोर मोरलेस डिप्लोमेटिकली वर गेटिंग क्लोजर टू दी फ्रेंच ये बात ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आती है क्यों क्योंकि फ्रेंच वाले उनको हरा रहे थे या फिर काइंड ऑफ हेल्प कर रहे थे उनके दुश्मनों की या जो उनके अगेंस्ट था इवन इन दॉर्थ अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर इस चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी इसी चीज का बदला लेने के लिए उसी बाज की कोई चिड़मची हुई थी वो दे अटैक दाहर दोटेक्शन ऑफ हैदर अलीट कानक इट लाइट योर चैलेंज दॉवरिटी ऑफ इट वॉर स्टार्ट हो जाती है ड्यूरिंग द मिड्स ऑफ दाइस वॉर हैदर अलीसपू सुल्तान्यूस दी वॉर तीन से चार साल का समय हो जाता है एंड दिस इज नो कॉन्क्लूसिव बैटल मतलब कुछ लड़ाई करते हैं कहीं पे फिर कहीं पे छह महीने बाद कहीं और लड़ लेते हैं तीन महीने बाद कहीं और लड़ लेते हैं समथिंग फाइनली बोथ द साइड्स गेट टायर्ड ऑफ ऑफ ईच अदर एंड एंड दे दे सिट साइन अ ट्रीटी ट्रीटी कॉल्ड एज मद्रास जिसका पर्पस और कॉन्सिक्वेंस सिर्फ ये है कि पिछले तीन चार साल में जिसने जो जो टेरिटरी ली है एक दूसरे को दो और खत्म करते हैं इस मुद्दे को राइट साइकोलॉजिकल विन थी ये टीपू सुल्तान के लिए ही वॉज ही हैड दी अपर हैंड ही हैड दी अपर हैंड ड्यूरिंग साइनिंग ऑफ दिस ट्रीटी

तीसरी चौथी रिवीजन में होगा बट अभी सुनो एक बार ट्रेवन कौर ने दो जगह परचेज की जलकोटल और कन्नौर फ्रॉम डच इन दी कोचीन स्टेट कोचीन जो था वो फ्यूडेटोरी था टीपू सुल्तान का तो उसने ये बोला कि ट्रेवन कौर ने टीपू सुल्तान के सॉवरन राइट्स को वायोलेट किया है माहे फ्रेंच पोजेशन उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वॉर डिक्लेयर किया है, so 1790, जो स्टेट है Mysore, एक दो प्लेसिस परचेज करती है डच से अगेन एक और यूरोपियन पावर इन्वॉल्व है इसमें ठीक है सो डच फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों के तीनों किसके साथ इन्वॉल्व है माइसोर के साथ, साथ. जलकट्टोल और कन्नौर नाम की जगह है कोचीन स्टेट के अंदर नाउ Is a of State. है? वो उनको देते हैं, उनकी सुप्रीमेसी और सोवरिनिटी को मानते हैं so, जब कोर स्टेट, स्टेट खरीद ली जो एरिया मैसोर के अंदर आता है चैलेंज टू दॉवरिनिटी ऑफ दुल्तान जस्ट लाइक इज फादर है टीपू सुल्तान 10 like so, साल के बाद एग्जैक्टली ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एर सिचुएशन में ट्रेवन कोर के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है वॉर क्या करते हैं एज यूजल मेरा मेरा दुश्मन दोस्त तुम्हारा दोस्त ईस्ट इंडिया कंपनी विद एंड दे अटैक्ड टीपू 1790 में टीपू डिफीटेड द इंग्लिश जनरल मीडोज 1790 में कौन अब भाई ये लड़के का नाम तो तुमने सुना हुआ है गवर्नर जनरलशिप एंड एट द्ज आर्मी मास्ट्रू एम्बर एंड वेलोर टू बैंगलोर एंड फ्रॉम देयर टू शेरिंगा सो so, पहले हम याद रखेंगे ये नेम्स कभी-कभी याद रखने पड़ते हैं सो so, टीपू सुल्तान ने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में एक जनरल मीडोज नाम के एक इंग्लिश जनरल है उनको हरा दिया ठीक है बट वॉर है अभी तो एक ही बैटल हुई है ये 1791 में कॉर्नवालिस इंडिया का गवर्नर जनरल बनता है 17 ही बिकम्स इन 1786 लेकिन उस समय 1791 में होता है टेक्स द चार्ज और एम्बूर वेल्लोर और बेंगलोर को कैप्चर कर लेता है एंड वहां से शेरिंगापटनम जो होता है उसको शेरिंगापटम उसको भी कर लेता है भी हुआ अगेन आर इट्स अ सीरीज ऑफ बैटल्स राइट वॉर एक सीरीज ऑफ बैटल्स होती है कोयमबटूर एक बार जीत लेते हैं दे लूज इट अगेन फिर लास्ट में मराठाज और निजाम्स की हेल्प से इंग्लिश सेरिंगापटम को दोबारा अटैक करते हैं यस इट वॉज यू कैन सेक ए टीपू फॉर ब्रेवली एंड उन्होंने उन 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 उसको रेजिस्टेंस तो दिया बट फाइनली साइन होती है ट्रीटी ऑफ शेरिंगा पटम ये जो टेरिटी ऑफ शेरिंग पटम है यहाँ पे कंक्लूसिवली टीपू सुल्तान इज दूसर वॉर जो है वो लूज करते हैं और ट्रीटी ऑफ शेरिंग शेरिंग कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें देखिए सेवनटीन हंड्रेड नाइनटी टू में ट्रीटी साइन हुई है आधी से भी अधिक जो मैसूरियन ट्रीटी है वो बेसिकली विक्ट ले ली मतलब देखो ये लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन ट्रैवन कोर ने दो स्टेट है कोचीन स्टेट से बेसिकली खरीदी है जो कि डच यूरोपियन जो पावर है उनके पास थी बट कोचीन स्टेट इज बेसिकली फ्यूडेटरी ऑफ माइसोर तो टीपू सुल्तान को ये बात पसंद नहीं आती टीपू सुल्तान अटैक्स ट्रेवन कोर ठीक है टीपू सुल्तान ट्रैवन कोर को अटैक करता है तो इंग्लिश मैसूर को अटैक कर देते हैं मराठाज और निजाम तो वैसे ही उनके साथ थे पहले से ही इंग्लिश के साथ दे ऑल्सो अटैक्स माई सोर ठीक है टीपू सुल्तान बट उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवाल uh, करते हैं so जीतते हैं कभी शेरिंगा, दो, शेरिंगा को दो बार जीत लेते हैं टीपू लूज इज दॉर टीपू सुल्तान लूज इज दर और एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ शेरिंगा इंपॉर्टेंट है अब देखो, शेरिंगा में क्या होता है जो ये एरियाज है ये एक दूसरे को बांट लेते हैं ये सारे के सारे एरिया ब्रिटिशर्स ले लेते हैं माहे का एरिया ये एरिया ये तीनों एरिया ब्रिटिशर्स ले लेते हैं ये एरिया बेसिकली अपना उसको मराठास को दे दिया जाता है ये वाला जो एरिया है ये निज़ाम को मिल जाता है सो दे सेलिब्रेट अब बारा महल डिंडीगुल और मालाबार इंग्लिश को जाता है सो so, ये जो तीनों एरिया हैं आइडेंटिफाई ये याद करना पड़ेगा कि तीसरी एंग्लो माइसोर वॉर में बारा महल डिंडीगुल और मालाबार ये जो एरिया है ये अंग्रेजों के कंट्रोल में चला जाता है मराठास को तुंगभद्रा और इसकी ट्रिब्यूटरीज का जो ये एरिया है ये मिल जाता है निजाम को कृष्णा बियॉन्ड पेन्नार ये वाला एरिया मिल जाता है वेन यूपीएससी या एनसीआर की जो किताबें होती है रेफरेंस बुक होती है उसमें से रिवर्स के हिसाब से रीजन बताया जाता है तो एकदम कान खड़े करके याद करने की जरूरत पड़ती है वेरी स्पेसिफिकली दे आर मैं तुंग भद्रा वाला रीजन जो है वो मराठा के पास चला गया सो हियर जोग्राफी और हिस्ट्री का कॉन्फ्लुएंस होने लग रहा है राइट right? यहां पर तुंगद्रा रिवी तुंग भद्रा रिवर जो है उसका कंफ्लुएंस है हिस्ट्री भी बता रहे हैं वो जोग्रफी बता रहे हैं यूपीएससी गेट फैसिनेटेड द मोमेंट दियर सच काइंड ऑफ सेंटेंसिस इन दी बुक दाइक ओ क्वेश्चन अच्छा देखो देखो भाई थर्ड एंग्लो मैसोर में और किसी नदी का नाम है ओ कृष्णा और पेन्नार का भी नाम है तुंगभद्रा डालो ये क्वेश्चन दो नॉलेज घट्टी चेक हो गई याद करना हम एकदम रट्टा लगा लेंगे और उसके बाद टीपू सुल्तान के ऊपर डैमेज लगाया जाता है तीन करोड़ रुपए का ठीक है तीन करोड़ रुपए का उसके ऊपर हर जाना लगाया जाता है कि वॉर का खर्चा भी अब तुम पे करो आधा इमीजिएटली देना था डेढ़ करोड़ इमीजिएटली दो और बाकी जो है वो थोड़ा बाद में देंगे ठीक है थोड़े मतलब इनकी आफ्टर पे करना पड़ेगा

का ठीक है कॉन वाले के घर पर रहते हैं टीपू सुल्तान के दोनों के बेटे एंड इट दर इज एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट इट इट केम यूजुअली हिस्ट्री बुक्स में आता है तो कॉन वॉलिस देखता है कि ये जो दोनों बच्चे हैं टीपू सुल्तान के ये रह रहे हैं मेरे यहाँ पे कैदी बन के मोरलेस घर में ही रहा करते थे ऐसा नहीं था कि जेल में रखा था एज इनके घर में उनको प्रिंसेस की तरह रखा जाता था लेकिन उनका एटीट्यूड बिल्कुल कूल प्रिंसेस वाला था तो वो कॉन वॉलिस के जो भी एम्प्लॉयज uh, हैं या नौकर चाकर हैं उनको फुल फ्लेजेड एज ए प्रिंस किंग की तरह ऑर्डर देते हैं ठीक है ऐसे इस प्रकार से ऑर्डर देते हैं सो कॉन इज मेड अ स्टेटमेंट कि द सन ऑफ आल्सो लायंस अलॉन्ग द सेम लाइन्स मतलब कि शेर का बेटा शेर ही होता है इस प्रकार से मतलब कि किंग का बेटा है तो वो किंग मतलब उसके उनके बच्चों का एटीट्यूड देख के फियरलेस एटीट्यूड की टीपू सुल्तान भी फियरलेस है और उसके बच्चे भी फियरलेस हैं एंड इवन दो दे आर बेसिकली अंडर हॉस्टेजिंग हॉस्टेज ऑफ ब्रिटिशर्स दे हैव स्टिल नॉट लेफ्ट देयर रॉयल्टी और देयर एटीट्यूड ऑफ बींग प्रिंस और बींग अंग दिस इज इंटरेस्टिंग यानी डोट बात ध्यान रखना मतलब कि देखो कैसे दिस दिस एक्चुअली हेल्प्स यू अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री हाउ इट एक्चुअली वर्क सो वॉर होती है खत्म हो जाती है ट्रीटी ऑफ शेरिंगापट्टन स्टार्ट साइन की जाती है देर इतना heavy, इतना हैवी प्राइस लगाया गया है टीपू सुल्तान के ऊपर कि ही कॉन्ट पेट इमीजिएटली ही इज द किंग ऑफ अ स्टेट एट दैट टाइम तो दो दो उसके प्रिंस उसके बेटे हॉस्टेज है ब्रिटिशर्स के जब तक पैसा नहीं दोगे ये हमारे पास रहेंगे दो हम इनको जेल में नहीं रख रह रहे दिल लिव कंफर्टेबल रॉयल लाइफ वो बच्चे भी अलग ही हैं वो कौन वाले इसके घर में रह रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास के घर में रहते हैं वो बट उनका एटीट्यूड ऐसा है कि उनको लगता है कि अभी भी हम मतलब किसी से भाव नहीं खाते समथिंग लाइक दैट सो दिस इज समथिंग ऑफ शेरिंगा इसको तुम देखोगे दिस इज ह्यूमिलिएटिंग टू टीपू सुल्तान लाइक इन एवरी एस्पेक्ट्स बच्चे उसके जेल में हैं, डेढ़ करोड़ रुपए एक एक्स्ट्रा देना है डेढ़ रुपए so तो क्लियर कट है होनी ही थी ये जब सारा का सारा एरिया तुमने काट के मायसोर का ये छोटा सा आधा बिल्कुल 40 परसेंट मायसोर रह गया है सारा, सारा इन्होंने, विक्टर्स ने अपने उसमें बांट लिया है इतनी ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी उसके ऊपर फोर्स कर दिया टीपू सुल्तान के सो इट वॉज इन निविटेबल कि पाँच साल के बाद बेसिकली एंग्लो मैसोर फोर्थ वॉर होनी थी सेवनटीन हंड्रेड नाइन्टी नाइन में एंड दिस इज वॉट हैपन फोर्थ एंग्लो मैसोर वॉर को देखा जाए तो सेवनटीन नाइनटी टू में जो थर्ड है वो खत्म हो जाती है और उसके छः सात साल तक बोथ ऑफ द इंग्लिश एंड द मैसोर दे जस्ट दे आर वेटिंग दे आर रिकूपिंग देयर स्ट्रेंथ कि हमें फिर से इट उस काइंड ऑफ नोन दोबारा लड़ाई होगी बस अभी हम वेट कर रहे हैं द मोमेंट विल गेट एक्चुअली रेडी विल एक्चुअली फाइट त्रिपु ने अपनी जो ट्रीटी ऑफ शेरिंग पटनम पटम थी उसके सारे के सारे जो टर्म्स थे ही फुलफिल्स ऑल दर्म्स अपने बच्चों को रिलीज करा लेता है 1796 में द रूलर ऑफ वोडिया डायनेस्टी डाइज ठीक है अभी अभी हमने बात किया था ना कि जब हैदर अली किंग बनता है तो वोडिया डायनेस्टी का किंग है

ऑल्सो ये ट्रीटी ऑफ शेरिंगा पटनम की जो डिफीट थी ह्यूमिलियटिंग ये इसके अगेंस्ट अब कुछ स्टेप्स लेने की कोशिश करता है वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी दे डिड नॉट लाइक टीपू ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद फ्रेंच जब हम टीपू सुल्तान के बारे में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वी वुड एक्चुअली रियलाइज कि फ्रेंच का कॉन्टेक्ट रेगुलरली आता रहता है इंडियड अगर आप कोई टीपू सुल्तान के बने बने हुआ कोई मूवी देखोगे या कोई सीरियल देखोगे तो यू विल सी कि उसके कोर्ट में फ्रेंच जो ऑफिसर्स हैं या फ्रेंच जो हैं ट्रेडर्स हैं वो कॉमन है मतलब ही मेनटेन गुड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द

इनको क्लियर कट इनका प्लान है कि मेरे को अपना ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है सुल्तान like की अलायंस साइन करवाना है मुझे ये सिंपल सी बात है अब इंग्लिश ने 1799 में, ये ये एक्चुअली में छोटी वॉर है एक ही बैटल है बै, और तो जो चार पांच साल चलती थी अप्रैल ये थी, ये पंद्रह को स्टार्ट हुई थी

टीपू सुल्तान मर गए तो तो डायनेस्टी डायनेस्टी जो जो ये वोडियार के माइनर सन थे जिनको थ्रोन पे बिटाने से मना कर दिया था टीपू सुल्तान ने दिस सेम पर्सन वॉज मेड किंग बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी और इन्होंने वोडियार डायनेस्टी से सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लिया सो so, निजाम ऑफ जो हैदराबाद है निजाम ऑफ हैदराबाद को वॉर्स का एक चैप्टर है, we'll right? तो है, है।, है टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है तो जो ये पुराना वोडियार डायनेस्टी का माइनर सन था इसको किंग बना दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा और इसको फोर्स कर देते हैं सब्सिडरी अलायंस साइन करने के लिए तो अगर अब हम मैप देखेंगे सो निजाम वाला जो एरिया है सब्सिडरी अलायंस के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में है नदन सरकार वो पहले से ही ले चुके हैं निजाम से माइसोर का जो ये पूरा का पूरा एरिया है इसमें से कुछ एरिया जीत के बाद मराठास को दे दिया गया एंड यहां पर अब वोडियार डायनेस्टी के एक किंग हैं और इन्होंने भी साइन कर लिया है सब्सिडरी अलायंस तो टीपू सुल्तान के बाद वेल्सली ने सुंडा और हार्पनोली डिस्ट्रिक्ट जो है माइसोर के वो मराठास को दे दिए वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिए

से हटा के फुल कंट्रोल में ले लिया था कि मिस गवर्नेंस होने लग रही है, है, so, है। टीपू सुल्तान मर चुका है मराठाज को प्रॉमिस किया गया था वील गिव समरी मराठाज को ऑफर किया गया सुन अली

इंग्लैंड वाले उसको दोबारा पकड़ते हैं और तुम बनोगे राजा राजा उसको राजा बना देते हैं कृष्ण जनरल ऑफ इंडिया है वो माइसोर को पूरा का पूरा, का पूरा कंट्रोल ले, ले लेते हैं इस एवेज में कि मिस गवर्नेंस कर रहे हैं वो डायनेस्टी के किंग दो अठारह में 50 साल के बाद लॉर्ड रिपन किंगडम उनको वापस लौटा भी देते हैं एंड फाइनली इट वॉज डायल्यूटेड इन सेवन नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टीज दैट इज दी हाउ द इंग्लैंड कंट्रोल दोर ब्रिटिशर्स को जो सबसे बड़ा चैलेंज था दैट वॉज गिवन बाई द मराठास मराठास वॉज अ पैन इंडिया पावर और आदर मुगल डायनेस्टी के रूंग्स पे जो सबसे बड़ी पावर खड़ी हुई थी दैट वॉज द मराठास देवर द

Need to speak to me about, and if you have confusion, you can also contact me on this Instagram handle. Before I go, I just want to actually tell you something important. The same courses of history, ancient, medieval, and the modern, is actually available through live classes also, where we can, where the student can actually directly interact with the faculty. लाइक इन क्लास रूम फ्रेमवर्क राके अंदर वन वे कम्युनिकेशन होता है सो द लर्निंगलीफ लिमिटेड इन इज ओनली वन वे कम्युनिकेशन यू कैन एक्चुअली आस यूर डाउट स्टडी आई क्यू की जो लाइफ फाउंडेशन कोर्स है यू कैन एक्चुअली ज्वाइन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ दफोर्डेबिलिटी द कोर्स विल ओनली कॉस्ट यू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज फॉर दी होल कोर्स फॉर दू इलेवन मंथ्स का जो कोर्स होगा बट जिसके अंदर जीएसट प्रीलिम्स uh, और जीएस चारों के चारों जो जीएस मेंस के पेपर हैं एंड आल्सो सी सेट इन सबको कवर कराया जाएगा ठीक है लाइव क्लासेस के द्वारा मोर इंपॉर्टेंटली हाव एवर इट इज नॉट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के अगर आप यूज कोड करते हैं अमित लाइव जस्ट यूज दी कोड अमित लाइव एंड द प्राइस वुड एक्चुअली भी रिड्यूस टू एटीन ये बात ध्यान रखिएगा एटीन के हो जाएगा

यूपीएससी आई एस का स्टडी आई क्यू का लाइफ फाउंडेशन बच वु बी ट्रीमेंडसली हेल्पफुल फॉर यू इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस बैच इफ हैउट एट बैच कोई और बात है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के पर डीएम कर सकते हैं आप टिलन हैव नाइस डे स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल